यस आया नहीं, ठीक है ओके। जब आयुष आ जाएगा तो मुझे इन्फॉर्म कर देना बच्चे, ठीक है ओके। अच्छा तो मैं आपको क्या पढ़ा रही थी, हम चल जा रहे हैं रू अब हम पढ़ने जा रहे हैं वेव एंथैल्पी के बारे में। इससे पहले आपको आयोनाइजेशन एंथैल्पी का ट्रेंड बता दिया था, ग्रुप 14 15 एंड 16 में किस तरीके का वेरिएशन दिखता है, ये इन दोनों से ज्यादा आयोनाइजेशन एंथैल्पी लेता है, क्लियर है। और गेन एंथैल्पी पर चलते हैं, गेन एंथैल्पी में क्या होता है कि आपको गेन एंथैल्पी का मतलब पता है ना कि इलेक्ट्रॉन ऐड करते टाइम कितनी एनर्जी रिलीज हो रही है, दैट इज गेन एंथैल्पी। अब इलेक्ट्रॉन ऐड करने करते टाइम जितनी एनर्जी, जितनी बेटर तरीके से या इजी तरीके से इलेक्ट्रॉन ऐड होता है उतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है। अब आप मुझे बताओ इन तीनों में सबसे डिफिकल्ट तरीके से इलेक्ट्रॉन ऐड करना कौन चाहेगा, कैन यू प्लीज टेल मी इन तीनों में, बिकॉज दिस इज हाफ फिल पी ऑर्बिटल, इसकी स्टेबिलिटी लेवल अलग है, दिस इज हाफ फिल पी ऑर्बिटल, तो इस ये इलेक्ट्रॉन ऐड करना नहीं चाहेगा, इजीली ऐड करना इलेक्ट्रॉन नहीं चाहेगा, तो इसकी जो गेन एंथैल्पी है इससे भी कम है और इससे भी कम होता है, ठीक है। अगर ये इसका मैं लेती हूँ ये इससे भी ज्यादा होता है और इस तरीके से जाएगा, यहाँ पे उल्टा केस था आपने देखा, ये हाफ फिल थे तो इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी आप चेक कर सकते हो इससे भी ज्यादा था और ग्रुप 16 से भी ज्यादा था, ग्रेटर का साइन दिया हुआ है दोनों तरफ। यहाँ पे इसकी जो गेन एंथैल्पी, दिस वेरी इंपॉर्टेंट, गेन एंथैल्पी इससे भी कम है और इससे भी कम है ड्यू टू हाफ फिल स्टेबिलिटी, अगेन दिस इज ड्यू टू हाफ फिल्ड पी ऑर्बिटल, अगेन द सेम थिंग, इजीली इलेक्ट्रॉन ऐड करना नहीं चाहेगा, तो इसका अगर हाई नेगेटिव होगा, ग्रुप 14 का अगर मैं हाई नेगेटिव लेती हूँ, ग्रुप 16 का भी अगर मैं हाई नेगेटिव लेती हूँ, तो ग्रुप 15 का लो नेगेटिव हो जाएगा, ध्यान रहे। इसका अगर हाई नेगेटिव है, यहाँ पे अगर हाई नेगेटिव है तो बीच का जो है ये थोड़ा लो नेगेटिव हो जाएगा, कम एनर्जी रिलीज हो जाएगी, लेसर अमाउंट ऑफ एनर्जी, डन है। अच्छा आयनाइजेशन एंथैल्पी के बाद मेरा जो टॉपिक है दैट इज एटॉमिसिटी, तो एटॉमिसिटी पे चलते हैं और लेट मी एक्सप्लेन हियर फोर्थ वन एटॉमिसिटी। अच्छा एटॉमिसिटी में आपको क्या क्या पढ़ना है, एटॉमिसिटी में नाइट्रोजन इज डाई एटॉमिक, राइट डाउन, नाइट्रोजन इज डाई एटॉमिक, डाई एटॉमिक, फॉरेस रेस्ट आर पॉलीएटॉमिक, ठीक है। नाइट्रोजन डायटॉमिक फॉर्म में रहता है, बाकी जो है फास्फोरस आर्सेनिक ये पॉलीएटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। अच्छा नाइट्रोजन में चलते हैं, नाइट्रोजन का क्या है, नाइट्रोजन का ट्रिपल बॉन्ड होता है, डायटॉमिक होता है और ये ट्रिपल बॉन्ड फॉर्मेशन करता है, नाइट्रोजन के बारे में चलते हैं। नाइट्रोजन जो है ये N2 जो बनता है ये ट्रिपल बॉन्ड लेता है, इसके ऊपर रीजनिंग क्वेश्चंस आते हैं कि नाइट्रोजन गैस इज इनर्ट इन नेचर, इट इज लेस रिएक्टिव इन नेचर, इसके ऊपर रीजनिंग क्वेश्चंस आते हैं, द आंसर इज द फॉर्मेशन ऑफ अ ट्रिपल बॉन्ड हियर। तो यहाँ पे नाइट्रोजन जो है वो ट्रिपल बॉन्ड बनाता है और ट्रिपल बॉन्ड काफी स्ट्रॉन्ग होता है बाकी सिंगल और डबल बॉन्ड से, तो ये होता है ये स्टेबल हो जाता है एंड इनर्ट हो जाता है, इसके ऊपर रीजनिंग क्वेश्चंस देते हैं, क्लियर है। एंड रेस्ट जो होते हैं ये डायटॉमिक है और ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है, कि जो रेस्ट है रेस्ट फॉर्म सिंगल बॉन्ड, बाकी जो है ये सिंगल बॉन्ड बनाना ज्यादा पसंद करते हैं। फास्फोरस कई बार डबल बना लेता है, फास्फोरस डबल पे जा सकता है, डबल बॉन्ड वो बना लेता है, बट बाकी जो है लगभग सारे सिंगल बॉन्ड पे जाते हैं एक्सेप्ट नाइट्रोजन, नाइट्रोजन इज ट्रिपल बॉन्ड, इट इज हाईली स्टेबल एंड इनर्ट गैस, ओके। तो इसके ऊपर जो क्वेश्चन आता है व्हाई इट इज इनर्ट गैस, तो आप लिख सकते हो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अ ट्रिपल बॉन्ड। नेक्स्ट आपको मैं लेके जाती हूँ, हम चलते हैं, इसमें टॉपिक आता है मैं आपको बता देती हूँ टॉपिक के बारे में, कैटिनेशन आता है, देयर इज अ टॉपिक हियर दैट इज कैटिनेशन,
कैटनेशन। तो कैटनेशन पे चलते हैं हम, और कैटनेशन का कुछ पॉइंट है जो मुझे आपको कराना है। अब कैटनेशन, अच्छा आपको सबको थोड़ा आइडिया है व्हाट इज कैटनेशन, कैटनेशन में चलेंगे। अच्छा बेसिकली हम टॉरिक पॉइंट, मैं बोल रही थी, मैं बोल रही थी एल टू खुद के साथ ट्रिपल बॉन्ड बनाता है, यस, और नाइट्रोजन जो है खुद के साथ ट्रिपल बॉन्ड बनाता है, एंड साथ में ये ऑक्सीजन और कार्बन के साथ भी ट्रिपल बॉन्ड या डबल बॉन्ड फॉर्मेशन कर सकता है। मतलब ये अगर कहीं पे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट देखता है तो उसके साथ भी ये ट्रिपल बॉन्ड फॉर्मेशन कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल आपको पता है नाइट्रोजन डबल बॉन्ड बनाता है ऑक्सीजन के साथ, और ट्रिपल बॉन्ड भी बनाता है कार्बन के साथ, ठीक है। तो ये जब भी बॉन्ड बनाने लगता है तो इसका ट्रिपल बॉन्ड का ज्यादा टेंडेंसी होती है, ठीक है। अच्छा अच्छा ऐसा क्यों होता है? बिकॉज नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड नहीं बना पाता है ड्यू टू वेरी लेस स्टेबिलिटी। तो यहाँ पे और एक क्वेश्चन क्या आता है, मैं आपको सीधे लेके चल रही हूँ कैटनेशन पे लेके चल रही हूँ। तो विजिबल है नीचे वाला, कैटनेशन के ऊपर मुझे एक्सप्लेन करना है, मैं एक काम करूँ बेटे, हम एक काम करते हैं, इसके पीछे कैटनेशन आ रहा है, कैटनेशन के लिए मुझे थोड़ा स्पेस चाहिए, तो मैं इसको रब करके कैटनेशन पढ़ाऊंगी आपको, ये डन है तो बोलो। हो गया मैम, डन है, ओके ओके। आयुष एंटर नहीं करा है अभी तक ना, इज देयर आयुष, बच्चा करना। तो अब आपको एटॉमिसिटी पढ़ा रही थी, एटॉमिसिटी के अंदर ये आपको बता दिया है कि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द स्टेबिलिटी ऑफ नाइट्रोजन गैस, ओके। और इसके नीचे और एक इसी से जुड़ा हुआ आता है, दैट इज कैटनेशन। थर्ड पॉइंट पे शायद हम लोग थे, हम लोग कौन से पॉइंट पे थे, कौन सा पॉइंट है एटॉमिसिटी इज अ आपको नाइट्रोजन के बारे में बताया, फिर मैं आपको लेके जा रही हूँ कैटेनेशन। पूरे पीरियड टेबल में जितने एलिमेंट है सबसे बेस्ट कैटेनेशन कौन दिखाता है, आई हैव टू नो दिस, कार्बन मैम, कार्बन दिखाता है, कार्बन दिखाता है सबसे बेस्ट कैटनेशन दिखाता है, कई सारे रीजन है। तो आपको मैं और एक बार बता देती हूँ कि कैटनेशन का मतलब होता है सिंगल बॉन्ड बनाते 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 अपने वैलेंसी को लेके सिंगल बॉन्ड बना के अपने एरिया को स्प्रेड करना, या फिर बिग बिग मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाना, सिंगल बॉन्ड बनाते बनाते स्प्रेड हो जाना, एंड हर एक जगह पे हमें सिंगल बॉन्ड मिलेगा। कैटनेशन का मतलब है सिंगल बॉन्ड, फॉर एग्जाम्पल कार्बन का कैसे बनता है लाइक दिस, ठीक है। तो इस तरीके से खुद को सिंगल बॉन्ड बना के मॉलिक्यूल को बिग मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर देना, ठीक है, दिस इज माय कैटेनेशन। एंड अगेन कैटेनेशन, यू नो कैटेनेशन के बारे में आपको कभी वैसे पूछा नहीं जाएगा, इससे रीजनिंग क्वेश्चंस आता है, सिंगल बॉन्ड बनाना, और जो सिंगल बॉन्ड नहीं बना पाएगा वो कैटनेशन में नहीं जा सकता है, और उसके ऊपर क्वेश्चन क्या आता है मैं आपको बता देती हूँ। इसमें दो क्वेश्चन आते हैं कैटनेशन के को लेके, एक तो क्वेश्चन का मैं आपको और मैं बता दूंगी क्या होता है। देखो नाइट्रोजन कैटनेशन नहीं दिखाता है, मैं आपको बता देती हूँ, नाइट्रोजन नाइट्रोजन कैटनेशन नहीं दिखाता है, बट रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स वो कैटनेशन दिखा सकते हैं। बेसिकली फॉस्फरस का कैटनेशन टेंडेंसी ज्यादा होता है, फिर नीचे थोड़ा स्लाइटली घटा हुआ मिलता है मुझे। अब हम चलते हैं क्योंकि साइज भी बहुत बड़ा हो जाता है ना, ओके, तो साइज भी एक फैक्टर होता है कैटनेशन के लिए। इसमें क्वेश्चन क्या आ सकता है देखना, एक्सप्लेन
ठीक है। अच्छा और मैं क्वेश्चन बता देती हूँ, और इसको इस क्वेश्चन को किस तरीके से लिखा जाता है, क्योंकि ये सारे बोर्ड के क्वेश्चन है, किस तरीके से दिया जाएगा आपको। यहाँ पे पूछा जाएगा नाइट्रोजन शोज लेसर टेंडेंसी टुवर्ड्स कैटेनेशन देन फास्फोरस, दोनों के रीजनिंग बिल्कुल सेम है, दोनों के आंसर्स बिल्कुल सेम है। अब हम चले जाते हैं ऐसे क्वेश्चन का आंसर हम कैसे देंगे, व्हाट मस्ट बी द आंसर टू दिस क्वेश्चन। जस्ट अ मिनट, मैं भी आ रही हूँ। आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, कैटेनेशन का मतलब होता है सिंगल बॉन्ड फॉर्मेशन, कैटेनेशन का मतलब होता है सिंगल बॉन्ड फॉर्मेशन, सिंगल बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। तो जो सिंगल बॉन्ड दिखा नहीं पाता है वो कैटेनेशन में नहीं जाता, डेफिनेटली नाइट्रोजन क्या सिंगल बॉन्ड नहीं दिखाता है, ट्रिपल बॉन्ड दिखाता है। अभी नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड क्यों नहीं दिखाता है, व्हाट इज द रीजन कि नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड अगर दिखा देता तो ये इजिली कैटेनेशन में चला जाता। What is the reason कि nitrogen single bond नहीं दिखा पाता है? That's why it cannot undergo catenation. That means nitrogen जो है, bond is weaker than pp bond. क्या reason है? Nitrogen single bond नहीं दिखाता है because nitrogen single bond, nitrogen अगर मैं लेती हूँ single bond अगर बनाएगा तो weaker हो जाता है। That's why वो stability नहीं ले पाता है, तो ये better compatibility दिखाता है triple bond में। नाइट्रोजन अगर सिंगल बॉन्ड बनाएगा, अगर सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन फॉर्मेशन करेगा तो यहाँ पे ऐसे बॉन्ड बनाएगा, फास्फोरस अगर सिंगल बॉन्ड बनाएगा तो ऐसे बनाएगा। अब नाइट्रोजन के बाहर और फास्फोरस के बाहर आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? पांच। तो ये बिकॉज छोटे साइज का है यहाँ पे मुझे चार इलेक्ट्रॉन को एकोमोडेट करना पड़ेगा, एक तो बॉन्ड फॉर्मेशन में यूज हो गया, बाकी चार बचे हुए हैं, तो इस तरीके से बॉन्ड फॉर्मेशन में यूज हो जाएगा ये। और बाकी यहाँ पे भी इसका जो भी है, क्योंकि इसका ऑक्टेट तो कंप्लीट नहीं हो पा रहा है ना, 1 2 3 4 5 6 को और दो इलेक्ट्रॉन भी चाहिए, तो यहाँ पे कैटेनेशन दूसरे तरीके से कर सकता है, किसी दूसरे साथ यहाँ पे जुड़ सकता है नाइट्रोजन के साथ और फिर फॉर्मेशन कर सकता है, ऑक्टेट कम्प्लीट नहीं है। तो यहाँ पे क्या होता है सिमिलरली, यहाँ पे अगर वो सिंगल बॉन्ड बनाता है तो वही चार इलेक्ट्रॉन एक बिगर एक साइड के स्पीयर के चारों तरफ ये एकोमोडेट हो जाएंगे। यहाँ पे जो चार इलेक्ट्रॉन थे वो छोटे स्पीयर के चारों तरफ एकोमोडेट हो रहे हैं, इसका जो वॉल्यूम है आप वो एरिया मान सकते हो स्पीयर का, बहुत एक छोटा एरिया है नाइट्रोजन, छोटा मॉलिक्यूल। फास्फोरस में आते आते साइज बढ़ता है तो इसका जो एरिया होता है वो बढ़ जाता है, तो वहां पे चार इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट होते हैं। तो बिकॉज यहाँ पे छोटा साइज है और इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कहाँ पे ज्यादा डेंसिटी यहाँ पे ज्यादा चल रहा है, यहाँ पे डेंसिटी कम है, am I right? यहाँ पे डेंसिटी ज्यादा है, छोटे से एरिया में सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, बड़े से एरिया में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स अगर रहे भी जाएंगे और आगे ये फास्फोरस कैटेनेशन यहाँ पे बना सकता है अपने वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए, यहाँ पे बना लेगा, यहाँ पे बना लेगा, डन है। ये भी बना सकता है, बट यहाँ पे डेंसिटी इतना ज्यादा चल रहा है
कि ये जो डेंसिटी, इसके जो इलेक्ट्रॉन्स है, इसके जो इलेक्ट्रॉन्स है एक दूसरे को रिपेल करते हैं यहाँ पे, क्लियर है? तो ये बॉन्ड जो है वो वीकर हो जाता है, दिस इज अ वीकर बॉन्ड ड्यू टू, प्लीज राइट इट डाउन, दिस इज द रीजनिंग फॉर दिस क्वेश्चन, ड्यू टू स्मॉल साइज एंड इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, ये आपको वहां पे लिखना पड़ेगा। ये टर्म्स यहाँ पे आपको बता देती हूँ। और एक बहुत इंपॉर्टेंट, कि पी ब्लॉक में प्रॉपर वर्डिंग होना बहुत जरूरी है, जिसे हम कहते हैं कीवर्ड कहते हैं। बेसिकली केमिस्ट्री में कुछ कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जैसे पी ब्लॉक है, डी ब्लॉक है, या फिर कई काफी सारे चैप्टर्स हैं, उसमें क्या है आपको कीवर्ड डालना पड़ेगा। यू आर नॉट पुटिंग द कीवर्ड, आपके फिर मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो कीवर्ड में क्या आ जाएगा, स्मॉल साइज आपको लिखना है 100%। आप भले ही इलैबोरेट कर दो, बहुत बड़े बड़े वर्ड देकर आप इलैबोरेट कर दो, अगर यहाँ पे कीवर्ड नहीं है तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। बी केयरफुल, ये ऊपर से ही ये बताया जाता है उनको कि ये अगर वर्ड लिखा हुआ है इस क्वेश्चन में तो बच्चे को मार्क्स देना है। ये है कीवर्ड कॉन्सेप्ट, ठीक है? तो कीवर्ड बहुत जरूरी होता है। तो इसके लिए कीवर्ड क्या है, स्मॉल साइज ऑफ नाइट्रोजन एंड इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। ये डेंसिटी, हाई डेंसिटी भी लिख सकते हो, स्मॉल साइज, हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आप लिख सकते हो यहाँ पे, हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एंड इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। सो दीज आर द एग्जैक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन, ठीक है? तो यहाँ पे क्या है, बड़ा साइज का आपको इसका देना है एक्सप्लेनेशन, इट इज डन। इसके लिए मुझे एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है, इट इज डन भाई। मुझे क्या लिखना है, नाइट्रोजन का साइज छोटा हो जाता है, डेंसिटी ज्यादा हो जाता है, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन ज्यादा हो जाता है। तो नाइट्रोजन यहाँ पे सिंगल बॉन्ड फॉर्मेशन बेटर नहीं कर सकता है, वीकर हो जाता है बॉन्ड, इजिली टूटने का डर होता है, क्लियर है? ओके, तो ये टॉपिक कैटेनेशन के ऊपर दे सकते हैं, ठीक है? सो इट्स ऑल अबाउट एटॉमिसिटी, खत्म कर दिया मैंने टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है ऑक्सीडेशन स्टेट में चलते हैं। ये आप प्लीज इसे नोट डाउन करो, मैं अभी सिरप कर रही हूँ। हो गया मैम, डन है? ऑक्सीडेशन पॉइंट मेरा, ऑक्सीडेशन स्टेट पे चलते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट अगर इन जनरल कहूं तो ये तीन तरीके का ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा सकते हैं, -3 एंड +3 एंड +5। ये जनरल है, -3 दिखा सकते हैं, +3 दिखा सकते हैं और +5 भी दिखा सकते हैं, क्लियर है? अच्छा, मोस्टली -3 कौन कौन दिखाते हैं, मोस्टली नाइट्रोजन फॉस्फरस ज्यादातर -3 स्टेट दिखाते हैं, क्लियर है? -3 कौन दिखाता है, मोस्टली मैं आपको बता देती हूँ -3 स्टेट कौन दिखाता है। थोड़ा सा इसे ये आप प्लीज इसे मैं आपको इसको इलैबोरेट करके मुझे पढ़ाना है यहाँ पे, ठीक है? -3 स्टेट जो होते हैं ये मोस्टली नाइट्रोजन एंड फॉस्फरस दिखाते हैं। -3 का मतलब है अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अच्छी है तो कोई भी एटम जो है वो -3 ऑक्सीडेशन स्टेट ले सकता है, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अच्छी है, क्लियर है? और आपको पता है नीचे की तरफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घट जाती है, तो नाइट्रोजन फॉस्फरस, अगर नाइट्रोजन मोस्टली दिखाता है फॉस्फरस भी दिखा सकता है, ठीक है? अच्छा, दैट मींस -3 दिखाते हैं, ये दोनों दिखाते हैं। स्टेबिलिटी ऑफ -3 स्टेट डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, ड्यू टू डिक्रीज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये हर एक क्वेश्चन रीजनिंग में आ सकता है, ठीक
ठीक है ओके, तो माइनस थ्री मोस्टली दिखाते हैं और दिस इज द केस ओके। नाउ नाउ प्लस फाइव ऑक्सीडेशन स्टेट, आपको पता है नेट पेयर इफेक्ट में प्लस फाइव ऊपर के एलिमेंट्स दिखाते हैं और नीचे आते आते प्लस थ्री में कन्वर्ट हो जाता है। यस, तो हम क्या लिखेंगे, स्टेबिलिटी ऑफ प्लस फाइव स्टेट व्हाट डिक्रीजेस डाउन द ग्रोथ। Decreases down the group and stability of plus three state increases down the group. Okay. To what? Due to what? Due to In ओके ओके। नाउ 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 ये तो हो गया जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट वाली बात हो गई। अभी नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन कहाँ गया, नाइट्रोजन हियर, नाइट्रोजन माइनस थ्री से लेके नाइट्रोजन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या क्या हो सकते हैं। माइनस थ्री माइनस टू से लेके जीरो को कवर करते हुए ये प्लस फाइव तक जा सकता है। एंटायर माइनस थ्री माइनस टू माइनस वन जीरो, मैं आपको बता देती हूँ, माइनस वन जीरो प्लस वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर एंड प्लस फाइव स्टेट ये दिखा सकता है। नाइट्रोजन का इतना ईज है, वो दिखा सकता है सारे ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, अच्छा आप चेक कर लेना एक बार, आपको बता देती हूँ क्योंकि बाद में शायद उस टाइम मुझे ये डिटेल में बताना मुश्किल हो जाएगा क्योंकि फिर मैं प्रॉपर कंपाउंड में चली जाऊंगी, नाइट्रोजन के कंपाउंड में चली जाऊंगी, तो इन जनरल पढ़ लेते हैं। आप प्लीज चेक कर लेना, आपको मैं कई सारे कंपाउंड दे रही हूँ नाइट्रोजन के, आप प्लीज में चेक करके बताना कि ये सारे उसमें लागू हो रहे हैं, इसमें से हर एक में एक एक चीज लागू हो जाएगा। माइनस थ्री किसमें आ जाएगा, माइनस वन आ जाएगा, इसमें प्लस वन आ जाएगा। लेट्स चेक द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द कंपाउंड, तो मैं आपको यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ। N2O है, NO है, NO2 है, N2O3 है, N2O4 है, N2O5. ओके नाउ नाउ N2 है, NH2OH है, NH2NH2 है और NH3 है। प्लीज चेक करना इन सब में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ रहा है, सब पे चेक करो, मुझे बता दो पहले में क्या आ जाएगा। पहले में क्या आ रहा है, प्लस वन, प्लस टू। बहुत अच्छा, यहाँ पे क्या आ रहा है, प्लस टू, प्लस टू। वेरी गुड, थर्ड वन, प्लस फोर, प्लस फोर, यस, हियर प्लस थ्री, प्लस थ्री, प्लस थ्री, हियर प्लस फोर, क्या है, अगेन प्लस फोर में आ चुका है। ठीक है, इन दोनों का सेम स्टेट होता है बिकॉज ये जो है, ये जो है ये इसका डाइमर है, N2O4 इज अ डाइमर ऑफ NO2। ये ऑड मॉलिक्यूल है, ये ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल में माना जाता है, तो इसको स्टेबिलिटी पाने के लिए वो डाइमर बना देता है। ठीक है, ये भी रीजनिंग क्वेश्चन है, ये भी सारे बोर्ड के क्वेश्चन करा रहे हैं आपको, क्लियर है। ओके, इसका क्या है, यहाँ पे जीरो, जीरो, यहाँ पे यहाँ पे इट्स माइनस टू, माइनस टू, माइनस टू, इट्स माइनस टू एंड हियर इट्स माइनस माइनस थ्री। दीज आर सम कंपाउंड्स जो कि ये बता रहे हैं कि नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट जो है इट कैन वेरी फ्रॉम माइनस थ्री टू प्लस फाइव, ऑल द ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, तो ये डन है।
ये खाली नाइट्रोजन के लिए है, सारे नहीं दिखाएंगे फिर इसको, ठीक है, बिकॉज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अच्छी है तो ये भी दिखा सकता है. और बाकी फॉस्फोरस दिखाता है, फॉस्फोरस भी प्लस वन से लेके प्लस टू ये सब दिखाता है, फॉस्फोरस दिखा लेगा आराम से, प्लस वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर प्लस फाइव फॉस्फोरस दिखा लेता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. नीचे की तरफ वेरिएशन घट जाता है, क्लियर है. तो दिस इज ऑल अबाउट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट्स. एंड नेक्स्ट टॉपिक मेरा ऑक्सीडेशन स्टेट के बाद हम सीधे चले जाएंगे, शायद हम हाइड्राइड में जा रहे हैं. हाइड्राइड में तो भर भर के रीजनिंग क्वेश्चन आते हैं. तो मैं करा देती हूँ क्योंकि अभी मेरी एंट्रेंस की क्लास है, इसकी 11th क्लास के बच्चों के लिए है, और अभी है 10 मिनट तो हम चलते हैं, थोड़ा हाइड्राइड में चलते हैं. ओके, ये मैं रब करूँ, बताओ मुझे हो गया, डन है? यस मैम. यस मैम. ओके. आयुष एंटर नहीं कर पाया है, आई थिंक हाँ उसका कई बार पर नेटवर्क इशू दिखा देता है. अच्छा, अब हम ग्रुप 15 के कौन से टॉपिक में जाने वाले हैं, ये मैंने अभी 5 पॉइंट पढ़ाया था क्या आपको? चलते हैं तो ये थोड़ा टाइम तो लगेगा, इसमें हाइड्राइड है तो 6 पॉइंट में चलते हैं, ग्रुप 15 हाइड्राइड्स. अच्छा, तो ग्रुप 15 जो हाइड्राइड होते हैं वो किस तरह, 10 मिनट बचा है तो जितना होगा हम कर लेंगे अभी 10 मिनट में, नेक्स्ट क्लास पे पढ़ेंगे, ठीक है. अच्छा, मैं ये सोच रही हूँ कि कल भी ना मैं क्लास ही दे देती हूँ, बेटा कोर्स थोड़ा आगे चला जाएगा. व्हाट डू से मैम? क्लास ही. यस मैम. यस यस क्लास ही मैम, कल तो क्लास ही होती है. आगे चला जाएगा नहीं तो फिर रह जाएगा. देख रहे हो कितना कुछ है इसमें, बहुत कुछ है. एंड मैं देखो मैं तो चाहती हूँ आपको हल्की से लेके चली जाती हूँ. 12:30 ही लोग है ना? हाँ, कल 12 या 12:30 बता दूंगा, ठीक है, अराउंड 12 और 12:30 में लोगे. मैम 12:30 से प्लीज. क्यों, क्या हो गया, प्रॉब्लम है? 12 बजे हैं मैम, 12 बजे मैं जस्ट उठ के कैसे करूंगा ना मैम. नाइस, लुक आप देखो ओजस को देखो, वो कितने बजे उठते हो ओजस? अब 12 बजे. 12 बजे उठता है, 12 बजे उठता है ओजस, 12 बजे उठता है. अच्छा, आप में से और कितने बच्चे हो जो 12 बजे उठते हो सुबह? यस प्लीज मैम, हम केई वालों को सुबह 7:30 बजे उठना पड़ता है. यस मैम, 8 बजे से क्लास होती है. नहीं, ये तो अभी सारे स्कूल की जो पैटर्न चल रहा है उसमें 8 बजे क्लास स्टार्ट होती होगी डेफिनेटली, ठीक है. तो ये क्या, कल ओजे संडे है इसलिए लेट सोएगा, लेट उठेगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है मैम, मैं रोज लेट लेट ही उठता हूँ. स्कूल की क्लास नहीं लेते हो? जस्ट नहीं, मैं सिर्फ एक लेता हूँ सीएस की. वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, ठीक है. और बाकी वो नहीं लेता है, ठीक है. अगर सही में अगर देखा जाए तो वैसे तो मैंने ये सुना था कि स्कूल के टीचर्स अटेंडेंस के लिए काफी ज्यादा फोर्स करते हैं कि अटेंडेंस प्रॉपर आनी चाहिए, ठीक है. Yes. तो अगर वो आपका मैनेज हो रहा है और स्कूल के क्लास में अगर आपको ज्यादा फायदा नहीं हो रहा है तो ये अच्छा है कि सेल्फ स्टडी कर लो. तो तुम लेट नाइट करते हो डेफिनेटली, क्योंकि कोई बच्चा 3:30 बजे तक. 3:30, हाँ दैट इज डन भाई. अब मुझे अच्छा लगा, चलो 3:30 बजे तक पढ़ता है, ही इज अलाउड टू स्लीप अप टू 12 o'clock, ठीक है. और वैसे भी 10-11 बजे तक कौन सोता है, एनीबॉडी एल्स? नोबडी. मैम बस जिस दिन स्कूल होता है उस दिन सुबह जल्दी उठते हैं. जिस दिन स्कूल नहीं होता है छुट्टी होती है 10-11 बजे सोते हैं. कोई बात नहीं, अगर आप लेट नाइट करते हो तो इट इज डन विद, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है. तो कल मैं रखूंगी वही 12:30 रखूंगी, ठीक है, 12:30 मैं बता दूंगी, ठीक है. एंड ग्रुप 15 हाइड्राइड्स में चलते हैं. हाइड्राइड्स में बेसिक थिंग आपको बताती हूँ, देखो इससे पहले आपको थोड़ा बता देना है, डिटेल में चलेंगे हम,
ग्रुप 15 जो हाइड्राइड्स होते हैं वे मेनली इस तरीके का हाइड्राइड बनाते हैं, ट्राइहाइड्राइड कहते हैं, इज नोन एज ट्राइहाइड्राइड। ट्राइहाइड्राइड के अलावा और कोई हाइड्राइड नहीं बनाता है ग्रुप 15 एलिमेंट्स। इसके अंदर क्या क्या आ सकते हैं, NH3 आ सकता है, PH3। इसके ऊपर तो बहुत प्रेजेंटिंग क्वेश्चंस आते हैं, मैं देखे तो कितना हो पाएगा, नहीं तो कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास, ठीक है? ये जो हाइड्राइड है इसकी कुछ प्रॉपर्टीज मैंने आपको बताए थे कि इसके एसिडिक और बेसिक प्रॉपर्टी किस तरीके से वैरी करते हैं। एसिडिक प्रॉपर्टी को हम रिड्यूसिंग पावर भी कहते हैं और बेसिक प्रॉपर्टी को हम ऑक्सीडाइजिंग पावर भी कहते हैं। तो कुछ कुछ प्रॉपर्टी जो यहाँ पे होता है, मैं आपको वहां पे खाली एसिडिक और बेसिक प्रॉपर्टी बताया था, यहाँ पे और भी कई सारी चीजें हैं, मैं आपको बता देती हूँ। राइट डाउन, स्टेबिलिटी, बॉन्ड एंगल, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, ओके, enthalpy and basic property you can call it oxidizing power, I think so, yes it is oxidizing power, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं आपको लिखवाने जा रही हूँ, जो आपको करवा रही हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट दिस इज, ओके। बेसिक प्रॉपर्टी ऑक्सीडाइजिंग पावर डिक्रीजेस, डाउन द ग्रुप, क्लियर है, ओके। अगर मैं आपको, अच्छा अच्छा टाइम हो चुका है क्या, ठीक, अच्छा एक काम करते हैं, अभी कितना टाइम बचा है और कितना टाइम बचा है और मैम 2 मिनट, दो मिनट मैं एक काम करती हूँ, ये डैम है ना, एक और लाइन लिख दो, उसके बाद छुट्टी करते हैं, एंड इसका एक्सप्लेनेशन करना है प्रॉपर, इसको एक्सप्लेन करना है, इस सब चीजों को मुझे एक्सप्लेन करना है कमिंग क्लास, कल मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। नेक्स्ट, राइट डाउन मैं अब इसमें चलती हूँ, बॉइलिंग पॉइंट, एंड एसिडिक प्रॉपर्टी, एसिडिक प्रॉपर्टी को हम और भी क्या कह सकते हैं, रिड्यूसिंग पावर, पावर इंक्रीजेस, डाउन द ग्रुप, ठीक है। ये सारे जो है ऊपर की जितने प्रॉपर्टीज हैं वो नीचे की तरफ डिक्रीज करते हैं, और ये जो स्पेशली दो पॉइंट बताया है, बॉइलिंग पॉइंट, एसिडिक प्रॉपर्टी, ये नीचे की तरफ इसी के ऊपर रीजनिंग क्वेश्चंस देते हैं, बोर्ड एग्जाम में काफी क्वेश्चंस इसके ऊपर से, ठीक है। तो दीज आर द टू पॉइंट्स, अब हम काम करते हैं, और बॉइलिंग पॉइंट में थोड़ा वेरिएशन होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का एक्सेप्शंस होता है, ओनली फॉर अमोनिया ये जाता है, आपको कमिंग क्लास डिटेल में आपको सारी चीजें बताऊंगी कि इनके वेरिएशन कैसे होते हैं, कल बताऊंगी, ठीक है। अब शायद टाइम ऑफ होने वाला है और बच्चे भी हमारे यहाँ पे 11 के बच्चे एंट्रेंस के आने लगे हैं, तो अब मैं लीव करने जा रही हूँ, ठीक है, कल हम मिलते हैं कितने बजे, मैं वही 12:30 खोलूंगी क्लास, ठीक है। अगर उससे पहले कोई क्लास रखती हूँ तो थोड़ा आपका 12:30 हो सकता है, अदरवाइज 12:00।